Hi, welcome to my channel. This video is solve question number 4. Find the cube of 7 upon 9 minus 8 upon 11, 12 upon 7 minus 13 upon 8, 2 whole 2 upon 5, 3 whole 1 upon 4, 0.3, 1.5, 0.04, 8, 2.1. So, what do you have to do? Cube nikalna hai aapko. Chaliye fatafat solve kar lete hain. So, first, likh lenge cube of 7 upon 9 is equal to 7 upon 9 whole to the power 3 is equal to 7 cube karenge to kya milega aapko 7 into 7 into 7 whole upon 9 multiplied by 9 is equal to 7 7 49 and 7 49 7 343 whole upon 981 and 81 9 729. So it is your answer. Okay. Second, minus 8 upon 11 cube of minus 8 upon 11. So hum likh denge isko minus 8 upon 11 whole cube. It's equal to yahan par kar denge minus 8 multiplied by minus 8 multiplied by minus 8 whole upon 11 multiplied by 11 multiplied by 11. ओके तो यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा फाइनली क्योंकि यहाँ पर थ्री नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो माइनस एट इंटू माइनस एट हो जाएगा 64 एंड 64 एट जा 512 और नेगेटिव थ्री टाइम्स है तो माइनस ही आएगा माइनस 512 होल अपन 11 का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स मिलेगा 1331 ओके दिस इज योर आंसर नाउ द थर्ड वन क्यूब ऑफ 12 अपॉन 7 तो हम कर लेंगे 12 अपॉन 7 का होल क्या हो जाएगा 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 1728 ठीक है तो हमारा हो गया ये आंसर लाइकवाइज फोर्थ वन माइनस 13 अपॉन ए क्यूब ऑफ माइनस इज इक्वल टू माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 13 होल अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 यहाँ ध्यान दीजिएगा जहाँ पे निगेटिव रहेगा इस निगेटिव को केवल एक ही में लीजिएगा या तो न्यूमिरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में केवल एक ही पार्ट में लीजिएगा नहीं तो यदि दोनों में कर देंगे आप यहाँ में निगेटिव कर देंगे तो दोनों निगेटिव आ जाएगा और दोनों निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर सो निगेटिव को केवल एक ही न्यूमिरेटर में लेकर के ही सॉल्व करिएगा तो सही आएगा आंसर आपका तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स योर वन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो पहले हम इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको तो 5 टू जट 10 10 टू 12 12 अपॉन 5 का पावर हो जाएगा 3 12 का जो पावर होगा 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको यहाँ 12 1728 होल अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 125 अब यहाँ पर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये है आपका इम प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप चाहें तो इसे डिवाइड करके यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं और जो आंसर आएगा वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है ओके नेक्स्ट वन क्यूब ऑफ थ्री होल वन अपॉन फोर पहले हम इसको बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फोर थ्री जा 12 एंड 13 अपॉन फोर होल क्यूब कर देंगे यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 इंटू 13 होल अपॉन 4 इंटू 4 यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 का क्यूब जो होता है वो होता है 2197 मीन्स 2197 होल अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा दिस इज योर नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास है नेक्स्ट 0.3 क्यूब ऑफ 0.3 देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी और यहाँ पर आपको कुछ ज्ञान मिलेगा ओके 0.3 का यदि क्यूब करते हैं तो मिलेगा आपको 0.3 होल क्यूब अब यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 3 3 9 9 3 27 लेकिन 27 मिला लेकिन डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे देखिए यहाँ पर एक पोजीशन पर है यहाँ भी एक पोजीशन पर है यहाँ भी एक पोजीशन में तो कि तीनों को मिलाएंगे तो थ्री पोजीशंस मिल जाएंगे मींस 1 2 3 मींस जीरो बढ़ा करके डेसिमल लगाएंगे और फिर उसके पहले हम जीरो लगा देंगे एक ताकि अच्छा दिखे तो 0.027 ये आपका हो जाएगा 0.3 का क्यूब अब ये बताइए कि 0.3 और 0.027 में कौन बड़ा है
मीन्स आप देख सकते हैं कि 0.3 जो है बड़ा है 0.027 से, राइट right? कि 0.3 जो है ग्रेटर है अपने क्यूब से, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 0.3 इज ग्रेटर देन 0.3 का होल क्यूब, क्योंकि ये 0.027 क्या आ रहा है, 0.3 का होल क्यूब है। तो मतलब कि एक ऐसा नंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में यदि कोई लाई करेगा कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर लेते हैं 0 और 1 के बीच में और उसका क्यूब करते हैं, तो वह जो है खुद से छोटा नंबर आता है हमेशा। क्यूब ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.5 होल क्यूब। हमारा आ गया 3.375। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1.5 जो है 1 से ग्रेटर नंबर है, इसीलिए इसका क्यूब करने पर ये बढ़ जाता है, 3.375 हो गया है। ओके Okay. 512, तो 6 पोजीशंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेसिमल लगा लेंगे, उसके पास से 0। तो हमारे पास आ गया ये नंबर, एंड दिस नंबर इज द क्यूब ऑफ 0.08। सो दिस इज योर आंसर, एंड सब ने मैंने यहाँ पर मतलब क्यूब निकाल चुके हम लोग, तो दैट इज